नमस्कार दोस्तों, ये जो पैटर्न मैंने बताया कुछ आप लोगों को, ये राग मालकोस का पैटर्न है और राग मालकोस थाट भैरवी का राग है। तो थाट भैरवी आप लोगों ने खूब सीखी है, रे गा धानी कोमल इसके अंदर होता है। तो हम राग मालकोस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ राग मालकोस, ठीक है। इसकी जो थाट है वो है भैरवी। भैरवी में आप ये कह सकते हैं कि रे गा धानी, चारों के चारों जो कोमल स्वर अपने एक सप्तक के अंदर होते हैं उनका यूज होता है। इसके बाद में हम उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है वादी स्वर। तो वादी स्वर होता है इसका माँ, और उसके बाद में संवादी स्वर, संवादी स्वर होता है इसका सा। वादी बोले तो राग का प्रमुख स्वर जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिसके ऊपर बार बार आंदोलन होता है, न्यास होता है, तो वो वादी स्वर होता है। और संवादी स्वर वादी से थोड़ा कम, यानी कि राग में सबसे इम्पोर्टेंट स्वर है वो माँ है, उसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंस हम देंगे सा को। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें वर्जित स्वर कोई है तो वर्जित स्वर इसमें हाँ है। वर्जित स्वर इसमें रे और पा, ये दो सुर हैं, ये वर्जित हैं। अगर मैं यहाँ से इस रे को हटा दूँ तो गाधानी कोमल आपके दिमाग में ऐसा रहेगा, क्योंकि रे वर्जित है, पा भी वर्जित है। तो अब दो सुर है वो वर्जित है, यानी आरोह अवरोह दोनों के अंदर वर्जित है। तो अब हम इसकी जाति आराम से बना सकते हैं, सात में से दो चले गए तो पांच बचे, तो पांच बचे तो आप इसको जो इसकी जाति है वो हम कह देंगे ऑडव, ऑडव इसकी जाति हो गई, ठीक है। और इसका जो समय भी हम देखें तो समय इसका मध्य रात्रि का होता है। और उसके बाद में फिर इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आरोह, फिर उसके बाद में अवरोह और पकड़। तो आरोह में हमने देखा रे और पा है वो निषेध है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो नी से होती है। नी कोमल, क्योंकि गाधानी कोमल है नी, और ये मंद्र सप्तक का है तो नीचे मैंने डॉट लगा दिया, चाहे मैं यहाँ लगा दूँ चाहे यहाँ लगा दूँ, कहीं भी आप लगा दें, यानी कि मंद्र सप्तक का है। नी सा रे वर्जित है, नी सा गा कोमल है, नी सा गा माँ, और फिर पा वर्जित है, धा नी कोमल, धा कोमल, नी कोमल, और ये सा, ये तार सप्तक का सा हो जाएगा। नी सा गा माँ धा नी सा, तो ये नी मंद्र सप्तक का है, यहाँ से शुरुआत होती है, गा कोमल है, धा कोमल है, नी कोमल है, सा तार सप्तक का, ठीक है। माँ शुद्ध है और सा तो है इसके अंदर। अवरोह की मैं बात करूँ तो अवरोह में दोस्तों हमारा हो जाएगा सा तार सप्तक का, सा नी, ये मैंने छोटा लिखा है, इसका मतलब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नी है, कभी मैं छोटी मात्रा लगा देता हूँ कभी बड़ा लगा देता हूँ। सा नी कोमल, सा नी धा कोमल, धा पा हमारा वर्जित है,
तो मा सा नी धा मा गा और सा, क्योंकि गा के बाद रे वर्जित है, तो ये हमारा आरोह अवरोह हो गया, नीसा गामा धानी सा नी धामा गा सा। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी पकड़ देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पकड़ में इसमें जो स्वर गुच्छ, पकड़ मतलब किसी भी राग को हम उन स्वरों के ऐसा सेट, ठीक है ना, यानी कि ऐसे स्वरों का सेट, स्वरों का ऐसा गुच्छा जिसकी हम पहचान से या उसको हम सुन करके उस राग को समझते हैं, पकड़ते हैं, तो वो पकड़ कहलाती है। हम इसको पकड़ या चलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो है गा मा धा, गा कोमल धा कोमल, पहला मैंने यहाँ पे कोमा लगाया है, गा मा धा गा मा गा सा, गा मा गा सा, और तीसरा है नी कोमल मंद्र सप्तक का नी गा सा। ठीक है, गामा धा गामा गासा नी गासा, ये नी मंद्र सप्तक का है, तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे मैंने डॉट लगाया है। वापस रिपीट करता हूँ, राग मालकोस है, थाट भैरवी, रेगा धानी कोमल होता है, वादी माँ है, संवादी सा है, वर्जित स्वर इसमें रे और पा है, जाति ओड़ा ओड़ा हो गई क्योंकि साथ में से दो सुर चले गए, समय मध्यरात्रि का, आरो निशा गामा धानी सा, अवरो सानी धामा गासा, पकड़ गामा धा गामा गासा नी गासा। ठीक है, तो ये इसका आप इसको अच्छे से उतार लें, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर लिख करके रखें, और फिर हम इसको हारमोनियम पे समझते हैं। तो हम यहां से चलेंगे, आरोह करेंगे, नी सा, रे वर्जित है, गा मा, फिर पा वर्जित है, धा कोमल धनी कोमल सा, वापस देखिए, नी सा लगाया था मैंने, गामा धा गामा धा गामा गासा गामा गासा, फिर कोमा था, नी गासा नी गासा, पकड़ दोबारा, गामाधा गामागासा निगासा। तो दोस्तों ये राग मालकोस है, और इसका जो पकड़ है उसके हिसाब से आप इसमें सुरों में घूमते जाएं, और इस राग को हम तीनों ही सप्तक के अंदर बसता है, मंद्र में भी बसता है, मध्य में भी बसता है, तार में भी थोड़ा बहुत जाता है। तो हम नीचे आ जाएं, नी धा मा धा नी सा नी गा सा, पकड़ का पैटर्न ले लिया, नी सा गामा, मा पे ठहरना है क्योंकि ये वादी है, नी
सा, थोड़ा इस पे ठहरना है, माँ पे ज्यादा, गामा गसा गामा धामा गसा। आगे चले जाएं, गामा धानी सा जो हमारा यहाँ पे हुआ था, नी 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 गा सा, तार में जाएंगे तो वही पैटर्न होगा, नी गा सा नी धामा गा सा। इस प्रकार से आप इसमें बिल्कुल धीरे 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 पकड़ को ध्यान में रखते हुए सुरों के अंदर घूमते जाएं घूमते जाएं, इसको इतना अच्छे से तैयार कर लें कि आपके दिमाग में बस ये दिखे कि रे और पा वर्जित है, गा धानी कोमल है, और पकड़ ये है, चलन ये है, माँ इसका वादी है, संवादी सा है। दोस्तों तैयार करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस अगेन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।